फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज संडे है और पिछले संडे 24 तारीख को मैंने ब्लॉग बनाया था, गांव पे जब गई थी। उसके बाद से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। ये मेरा संडे के बाद आज फिर संडे को ही बना रही हूँ। इसके पीछे कुछ कारण था। रीज़न ये था कि हस्बैंड का तबीयत ख़राब हो गया था। हम लोग गांव से जिस दिन आए तो उसके अगले दिन 26 तारीख को ये चले गए अपने जॉब प्लेस पे मिर्ज़ापुर, और 26 के रात में ही अचानक इनके पेट में काफ़ी तेज़ दर्द हुआ। और मैं तो अभी पूजा कर रही थी, शाम का संध्या आरती कर ही रही थी, तब तक मुझे फ़ोन आया कि बाबू बोला कि मम्मी पापा का फ़ोन है, उनके पेट में काफ़ी दर्द हो रहा था। तो तब तक उनके जो कलीग्स हैं और कुछ स्टाफ हैं वो लोग दवा वगैरह दिए, घरेलू उपचार किए, लेकिन क्या हुआ कि ये कंट्रोल नहीं हुआ, तुरंत ये हॉस्पिटल एडमिट हो गए। और एडमिट जब तक हुए तब तक मैं ठीक नॉर्मल थी कि चलो गैस बना हुआ है तो पेट वेट में है, डॉक्टर इंजेक्शन वगैरह देगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन तो हमें 8:30 बजे खबर मिली कि रेफ़र कर दिया बनारस BHU के लिए। तब मेरी घबराहट बहुत बढ़ गई, मैं बहुत परेशान हो गई, क्योंकि इनका पहले भी इंटेस्टाइन का एक बार ऑपरेशन हो चुका। एक बार क्या, जब छोटे थे तो हुआ था, 2 साल के रहे होंगे तब हुआ था। माई बताती थी कि बचपन में भी इनके आँत का ऑपरेशन हो चुका है। इनका छोटी आँत और बड़ी आँत को कट करके एक मिलाया गया है। कारण क्या, उस वक्त क्या ट्रीटमेंट था मालूम नहीं, लेकिन 2017 में फिर से इनका आँच उलझ गया था आपस में, तो उसके लिए बहुत बड़ी ऑपरेशन करनी पड़ी थी। पेट में लगभग 18-19 स्टिच पड़े थे। तो हम लोग काफ़ी डरते हैं इनके पेट के प्रॉब्लम को लेकर के, और इतना और जितना ही डरते हैं भगवान इन्हीं के साथ बार बार करते हैं। अक्सर इनके साथ पेट में गैस बन जाता है, क्योंकि इनका गल ब्लडर भी नहीं है, थोड़ा शारीरिक रूप से बहुत अस्वस्थ रहते हैं ये। इतना हम लोग डर गए थे, मैं अगले दिन ही मॉर्निंग रात को ही ड्राइवर खोजी, एक भी ड्राइवर मुझे नहीं मिला। सारे लोग कहीं ना कहीं अपने अपने ऑफिसर्स को लेके, या कोई कहीं चला गया था। मेरा जो खास ड्राइवर होता है वो लखनऊ चला गया था। तो मैं सुबह का ट्रेन पकड़ के चली गई, और फिर वहीं पर पॉपुलर हॉस्पिटल है बनारस का, अच्छा हॉस्पिटल, वहाँ ट्रीटमेंट वगैरह हुआ। कल जाके फिर मैं वापस उनको बलिया लेके आई, क्योंकि 7 दिन का दवा दिया, उसके बाद से मुझे दवा पे रखना था। तो कल लेके चली आई, और कल नहीं सॉरी ले करके तो मैं आ गई थी यहाँ पे थर्सडे को, और कल से रिलैक्स है, कल से वो थोड़ा आराम है। हालांकि अभी खाना वाना बहुत ही हल्का ले रहे हैं। हल्का क्या, सिर्फ फ्रूट्स का पल्प निकाल के, या मतलब ऐसा इतना सॉफ्ट कि पाचन के लिए आँत को कोई प्रेशर ही ना पड़े। तो आज थोड़ा ठीक लग रहा है, आज वो सोए हैं, चैन से सोए हुए हैं। नींद तो आ ही रही थी, जब दवा खा लेते थे तो नींद आ जाती थी। पेट में दर्द वर्द कल से नहीं है, और पेट भी थोड़ा आराम है। तो मैं आज ये ब्लॉग बना रही हूँ अब, और मैं अब बातें कम करते अब मैं चल रही हूँ उनके लिए। थोड़ा सा पानी वानी अब गर्म करूँगी, और ठंड का दिन है, मौसम भी इसी में चेंज, काफ़ी तेज, 3 दिन से इतना कुहासा, आज तो कुछ हल्का कम है। और मैं तो 4:30 तक जग जाती हूँ, तो उन लोग के भांति इधर से उधर करते चलती हूँ, काम क्या करूँ समझ में ही नहीं आता है। और अभी वॉशिंग मशीन वगैरह नहीं चलाती हूँ, क्योंकि उनकी नींद खुल जाएगी घर घराहट की आवाज़ से। तो मैं फ़िलहाल अब चल रही हूँ, पानी वगैरह गर्म कर करके सब फ्लास्क वगैरह में सारे बॉटल में भर दूंगी। गाइस ये देखिए, सारे बॉटल में मैं पानी गर्म करके भर दूंगी। दिन में बार बार पानी गर्म करने का झंझट से मुक्ति हो जाएगा। और इसका तो ढक्कन ही टूट गया है, क्योंकि इसमें पानी बहुत देर तक गर्म रह जाता है। क्या आवाज़ आया, मैं चलिए इस पानी बॉटल वगैरह भर दूं। ये तो अभी सो रहे हैं, इनको मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी।
नींद आ रही है, सोइए सोइए, चलिए डिस्टर्ब नहीं करेंगे अभी। एलिफेंट को तो डिस्टर्ब करूंगी, देखिए गाइस वो भी चैन से सोया। अरे अरे उठो भाई, कितना नींद आ रही है, आराम मिलता है तो दम उठो मुको, उठा उठा, हाँ हाँ बहुत नींद पूरा हो गई, उठा अब सेवा कर रही है। ये जानवर कम पुतला ज्यादा है, पुतला ज्यादा है, पुतला ज्यादा है, ये देखिए पुतला को, है देखिए, उठ उठा, चला घूमे चला, चल सिर्फ घूमने के नाम पे उठेंगे, उठिए बाबू, चलिए देखिए तो। यहाँ मैं दूध वाली चाय चढ़ा दी हूँ और दूसरी तरफ इनके लिए बना रही हूँ अजवाइन वाली चाय। तो अजवाइन को मैं पहले पानी में सोख करके रख दे रही हूँ। गैस में फिर से किचन में आ चुकी हूँ, मेरा ज़्यादा समय किचन में ही व्यतीत होता है। मैं यहाँ अब उनके लिए ये सेव को कद्दूकस करके और बिना दूध वगैरह के इसको थोड़ा सा हलवा जैसा बना दूंगी, ये उनका ब्रेकफास्ट हो जाएगा। उसके बाद से मैं बाबू के लिए देख रही हूँ पोहा या कुछ और बना देती हूँ। संडे है तो कुछ ना कुछ बन जाता है, तो बच्चे थोड़ा खुशी से खा लेते हैं। शिवांश, शिवांश तुम पोहा खाओगे? हाँ तो क्या खाओगे नाश्ते में? यहाँ मैं इनके लिए सेव और गाजर का हलवा बना रही हूँ, तो जिसमें मैं थोड़ा सा घी डाली हूँ और चीनी की जगह पे मैं गुड़ डाल रही हूँ और ऊपर से थोड़ी सी इलायची डाल दूँगी। इलायची डाल देने से स्वाद तो बढ़ ही जाता है और साथ में वो पचाने का भी अच्छा काम करता है। तो यहाँ पे मैं दो सेव और आधा गाजर का बनाई हूँ और शिवांश को पोहा नहीं खाना था तो मैं उसके लिए सैंडविच बना रही हूँ। मैं सारे वेजिटेबल कट करके उसमें थोड़ी सी मैंने मूंग भी डाल दिया है, हालांकि वो मूंग पसंद नहीं करता है, अंकुरित मूंग है, लेकिन मैं उसे छुपा के डाल दूंगी, इसी बहाने वो खा लेगा। तो उसके लिए सैंडविच बना दे रही हूँ और इनको दे दूंगी गाजर का, ये सेव और गाजर का हलवा। सैंडविच तैयार कर दिया है हमने शिवांश के लिए, तुमको क्या चाहिए, तुमको भी कुछ चाहिए? घर में एक आदमी बीमार हो जाए ना सारा चीज तितिर बितिर हो जाता है। अब उनके लिए अलग खाना, बाबू के लिए अलग, 3 दिन से हम लोग खिचड़ी खा रहे हैं। 3 दिन क्या, बृहस्पतिवार से बुधवार से आज मैं थोड़ा चेंज कर रही हूँ, बाबू के लिए थोड़ा बना दूंगी अंडा करी बहुत, और फिर मैं बना रही हूँ लौकी की सब्जी बिना मसाले वाली, और चोखा बना दूंगी और चावल दाल उनको दूंगी, देखती हूँ खाते हैं कि नहीं। ये तो खैर मैं भी खा लेती हूँ, ढंग से चोखा रहे और लौकी की सब्जी तो मैं खा लूँगी, बाबू नहीं खाना पसंद करता है तो मैं उसके लिए चरी बनाने अंडा करी चावल उसको दे दूँगी। ठंड काफ़ी बढ़ गई है, मैंने स्नान वगैरह कर लिया है, अब पूजा करूँगी, पूजा करने के बाद फिर नाश्ता वगैरह, तो सूर्य को जल दे करके अब मैं जा रही हूँ पूजा। लाइट सुबह से कटी हुई है।
फ्रेंड्स, अभी अभी मैं आई हूँ बाज़ार से, खाना वगैरह खा कर चली गई थी लगभग 2:30 बजे बाज़ार। तो कॉल लेना था बाबू को, पिज्जा बेचते करके आई, खानी समाप्त थी, छोटा मोटा कुछ कुछ सामान समाप्त है, साग सब्जी सब्जी लेके आई, मुक्कू भौं भौं किए हुए हैं। क्या चाहिए? गाजर दे रही हूँ, रुको दे, भौं भौं, क्या क्या चाहिए बताओ। लो 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 लो, अभी मैं बाज़ार गई थी तो वहाँ से लेके आई हूँ गाजर, और मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। तो इसमें मैं कद्दूकस करके नहीं बना रही हूँ, बहुत टाइम लग जाता है कद्दूकस करके बनाने में। मैं यहाँ साफ़ करके गाजर को मोटे मोटे कट कर लूँगी, उसके बाद से इसमें मैं कुकर में थोड़ा घी का मात्रा ज़्यादा लेके, पानी बिल्कुल भी नहीं डालूँगी, घी में डाल के इसे थोड़ी देर भून के और उसके बाद बंद करके 3 से 4 सीटी दिलवा दूँगी, जिसमें ये गाजर पूरी तरीके से पक जाएगा। उसके बाद से मैं इसमें दूध, मलाई और जो भी खोआ वगैरह डालना है डाल के, और चीनी डाल करके भून के और ड्राई फ्रूट्स मिला के बनाऊंगी। बना रही हूँ गाजर का हलवा, इसे मैंने कद्दूकस करके नहीं बनाया, और दूसरी तरफ अभी मैं छेना फ्राई कर रही हूँ, पनीर फ्राई कर रही हूँ। फ्राई क्या करें, थोड़ी थोड़ी सी हल्की सी नॉन स्टिक वाले पैन में पलट पलट करके करूँगी मैं इनको, या सिर्फ इस पर गोल मिर्च और नमक छीट करके इनको दूंगी खाने के लिए। ड्राई फ्रूट्स वगैरह कट करके रख दिया है हलवा में डालने के लिए, और रात को फ्राइड राइस बनाऊंगी, दिन वाला चावल बचा हुआ है। इनको यहाँ मैं पनीर दे रही हूँ, अब ये कुछ खाना नहीं खाएंगे, इन्होंने कहा है कि अब ये खाना नहीं खाने वाले हैं। तो दिन वाला चावल बचा है, हम माँ बेटा फ्राइड राइस बना के खा लेंगे, और ये सोते समय देखते हैं कुछ फल खाना चाहेंगे तो फल खाएंगे। और इधर हमारी हलवा है तैयार, गर्मा गर्म गाजर का हलवा तैयार है, आइए आप लोग भी चखिए कैसा बना है गाजर का हलवा। तो इसी के साथ आने वाले साल का हम लोग स्वागत करेंगे, सभी व्यूअर्स को हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। और मैं अपना ब्लॉग अब यहीं समाप्त करती हूँ, मिलते हैं नए साल में नए उम्मीद के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सभी अपने अपने जीवन में खुश रहिए। गुड नाइट। एडिट कर दोगे? सब एडिट।